हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे चित्रवाचन। देखो समझो और बताओ। तो आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो फर्स्ट है अभिवादन। अभिवादन यानी कि ग्रीट करना, यानी किसी को, किसी का स्वागत करना। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है ये सर आते हैं तो आप लोग कहते हैं ना, नमस्ते सर। देखो बच्चे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते, तो बच्चे, सर ने क्या कहा, नमस्ते बच्चों। तो एक दूसरे का स्वागत करना, अभिनंदन करना, अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम देखिए कभी कभी कैसे करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है। और दूसरा, जैसे हम छोटे, देखिए अपने से छोटे से कैसे बात करते हैं, उनको कैसे कहते हैं। जैसे ये छोटी बच्ची खेल रही है तो ये अपने भाई से कैसे कर रही है, क्या बोल रही है, सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग, तू मेरे साथ खेलेगा, यानी इसे खेलने के लिए बोल रही है। और यहाँ पे देखिए, ये बच्चा है, ये अपनी मम्मी के पैर पड़ रहा है और क्या बोल रहा है, आपको प्रणाम, यानी ये सुबह सुबह अपनी मम्मी का पैर पड़ के आशीर्वाद ले रहा है। तो मम्मी क्या कहेगी, आशीर्वाद, जीते रहो, सुखी रहो, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो मुस्लिम समुदाय के होते हैं वो क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है आप सदा सलामत रहो। ठीक है, उसके बदले में वो भी कहते हैं वालेकुम सलाम, यानी आप भी सलामत रहो। अभी यहाँ पे है, ये साउथ की तरफ के हैं बच्चे, ये कहते हैं वड़क्कम। ठीक है, ये एक दूसरे को कहते हैं वड़क्कम, ये भी नमस्ते ही होता है, अलग अलग शब्द में कहते हैं। ठीक है, और ये है नमस्कार। नमस्कार किसे कहते हैं, जो दो लोग बराबर के होते हैं ना उन्हें, और नमस्ते किससे कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, और नमस्कार जो हमारे बराबरी के होते हैं या हमारे से छोटे होते हैं। अभी ये है गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात। और ये दूसरी बच्ची कह रही है गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, तुम कैसी हो, यानी हाउ आर यू, है ना। और पंजाबी में कैसे कहते हैं, सस्त्री अकाल। ठीक है, सस्त्री अकाल कहते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद है, तुम अभिवादन कैसे करते या करती हो। ये कौन बोल रहा है, कबीर। और मीरा क्या पूछ रही है, तुम्हारा मित्र तुम्हें किस प्रकार अभिवादन करता है। ये सवाल ये दोनों आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये आप लोग उनको जवाब दे देना। ठीक है, और इसमें आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, अपने से छोटों के लिए तू तथा हम उम्रे के लिए तुम, और अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द आपका प्रयोग करते हैं। यानी अपने से छोटों के लिए, अपने से जो छोटे होते हैं उनको तू करके बोल सकते हैं, बट हम कैसे बोलेंगे, हम अपने से छोटों से भी तुम या आप करके बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है ना। तथा हम उम्र यानी जो अपनी बराबरी की उम्र के हैं उनसे हमें कैसे बात करना है, तुम करके बोल सकते हैं, या उनको भी आप भी बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। और अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द आपका प्रयोग करेंगे, इनके लिए सिर्फ आप ही लगाएंगे, इनको तुम या तू करके नहीं बात करेंगे अपने से बड़ों के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, जो ग्रीट्स होते हैं अलग अलग तरीके से, जो लोग ग्रीट करते हैं ना, अभिवादन यानी कि स्वागत करना या ग्रीट करना। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादातर क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, सोते समय बोलेंगे गुड नाइट, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ये पानी दे, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।